बड़ी खबर आ रही है बिहार में सियासी घमासान से जुड़ी एक खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी संभावना भी जाहिर की जा रही है कि वो कल वर्तमान सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सियासी असमंजस के इस हालात में आज भी बिहार में बैठकों का दौर जारी रहेगा। पटना में बीजेपी विधायक दल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक पार्टी कार्यालय में होने वाली है। इसके लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े पटना पहुंच रहे हैं। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उधर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक होने वाली। ये बैठक दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है। और उधर कांग्रेस ने बिहार में अपने सभी विधायकों को आज पूर्णिया बुलाया है। इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। हालांकि जानकारी है कि जेडीयू के विधायक दल की आज होने वाली प्रस्तावित बैठक टल गई है। अब ये बैठक कल होगी। इसके लिए पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को आज पटना पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। तो आपको बता दें कि बिहार में सियासी तूफान जारी है। सियासी हालात पर चर्चा यानी कि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी। राबड़ी आवास पर भी मीटिंग होगी और साथ ही कांग्रेस की भी मीटिंग होगी जहां पूर्णिया में ये महाजुटान होगा। और कल जेडीयू की बैठक होगी। जेडीयू नेता पटना पहुंच रहे हैं। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, फिलहाल बात की जाए तो अभी राबड़ी आवास पर देखा जाए तो पूरा सन्नाटा है। कुछ पुलिस वाले जरूर हैं और देखिए क्योंकि फॉग काफ़ी है। और दूसरी तस्वीर ये है कि जिस तरह से बैठकों का आज दौर रहेगा, विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो पटना आने वाले हैं। साफ तौर पर 4 बजे बीजेपी की बैठक होगी, कार्य समिति की बैठक होगी, कार्य समिति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक जो हैं उनको एमएलसी को पटना आने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। वो पटना आएंगे और उसी में तमाम चीज़ों पर बातें जो हैं तय होगी। साफ तौर पर एक बदलाव आया है और वह बदलाव यह आया है कि जो आरजेडी की जो बैठक होगी वो बैठक 10 सर्कुलर रोड पर नहीं होकर अब 5 देश रत्न मार्ग पर होगी। जो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए आवास जो अलॉट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पर जो है बैठक होगी। पहले था कि 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास पर होगा, लेकिन अब बैठक जो है वहाँ पर नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये बात सामने आ रही है कि कांग्रेसी नेताओं ने कल रात में, देर रात में जीतारा मांझी से संपर्क किया है, लेकिन अभी जीतारा मांझी ने कोई उनको जवाब नहीं दिया है। और ये भी खबर है कि कांग्रेस के 13 विधायक जो हैं वो जेडीयू के संपर्क में हैं और कांग्रेस ने फरमान जारी किया है कि तमाम विधायक जो हैं वो आज पूर्णिया पहुंचे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी राजनीतिक गतिविधियां जिस तरह से हैं यही हैं। वहीं इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में सरकारी कार्यक्रम में भाग लेंगे, वेटनरी ग्राउंड में, और उसके बाद वो बक्सर चले जाएंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन जिस तरीके से सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जो आशंकाओं का बाजार है वो गर्म हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि कल का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि आज भी बैठकों का सिलसिला हम देखेंगे, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई अब वो समय आ चुका है कि सीएम नीतीश कुमार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल तमाम पार्टियाँ हैं। देखिए, स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, तमाम लोग हैं। देखिए, और मीडिया भी दिखा रही है, खास करके हम पल पल की खबरें जो है सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें क्लियर है। बस आरजेडी हो, कांग्रेस हो, ये चाह रही है कि नीतीश कुमार अपने मुख से ये इस बात को कहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऑफिशियली इस बात की घोषणा करना रुपेंद्र जरूरी हो जाता है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए संशय अभी भी बरकरार है। क्योंकि एक तरफ अगर नजर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर है, जेडीयू के स्टैंड को लेकर है, दूसरी ओर आरजेडी क्या वाकई वो भी कुछ ना कुछ नए तेवर में नजर आएगी, या फिर ये कहें कि वहां पर भी कुछ सियासी उठापटक हो सकती है। जो गणित है उसको किस तरीके से सटीक बिठाया जाए बिहार में, ये कहीं ना कहीं हर एक पार्टी की मंशा होती है। इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट होनी चाहिए। देखिए,
नीतीश कुमार की बात की जाए तो देखा जाए तो कम 25 सालों में जिस तरह से उनकी राजनीति को मैंने देखा है, वो ऑफिशियली कभी भी कुछ क्लियर नहीं करते हैं। नीतीश कुमार बस राजभवन जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के बाद फिर नई सरकार के लिए वो विधायकों की सूची पेश कर देंगे। और समय पहले से ही तय रहता है, लगभग देखा गया है कि पहले से समय तय रहता है कि कब शपथ ग्रहण लेना है और फिर से नीतीश कुमार जो है शपथ ग्रहण ले लेंगे। तो इस तरह की माहौल होती है, ऑफिशियली कुछ नहीं करते हैं। इससे पहले वो बीजेपी के साथ गए हुए थे तो बीजेपी से के साथ गए तो उस समय भी यही स्थिति थी, बीजेपी के से हटे उस समय यह भी स्थिति थी, आरजेडी के साथ आए तो यही स्थिति थी। तो देखिए तमाम चीज़ें हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ जो होती हैं उससे लोग आकलन कर लेते हैं। लेकिन अब जिस किस तरह से आरजेडी हो कांग्रेस हो ये कह रही है नीतीश कुमार अपने स्टैंड क्लियर करें, तो आरजेडी कांग्रेस से जो बात कर रही है तो क्या नीतीश कुमार जब बीजेपी से नाता तोड़े और इन लोगों से बात हो रही थी तो क्या उस समय नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड क्लियर किया था? नहीं किया था, साफ तौर पर नहीं किया था। इधर उस समय एक तरह से कहा जाए इधर खुशियाँ थी और बीजेपी में मायूसी छाई हुई थी, आज बीजेपी में खुशियाँ है इधर मायूसी छाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जो आरजेडी हो कांग्रेस हो लेफ्ट हो नीतीश कुमार के साथ प्लान बना रही थी लोकसभा चुनाव के लिए, उस पर देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है ठेस पहुंचा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए अभी हालात ये भी हो सकते हैं कि राहुल गांधी की जो रैली है उस पर भी ग्रहण लग सकते हैं, सूचना ये भी मिल रही है। और ख़ास तौर पर जो है राहुल गांधी भी नज़र बनाए हुए हैं, जिस तरह से कांग्रेस ने जीताराम मांझी से संपर्क साधा है और जीताराम मांझी ने अभी तक कुछ नहीं क्लियर किया है, तो देखिए कांग्रेस भी चुपचाप बैठने वाली नहीं है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार के बाद जो है अब कांग्रेस इस डर में है कि महाराष्ट्र में भी उसके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। बिल्कुल, यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से जो जमावड़ा है पूर्णिया में देखने को मिलेगा। पूर्णिया में यहाँ पर सभी को बुलाया गया है, यहाँ पर बैठक की जाएगी जी, पूर्णिया में बुलाया गया है। और बता दें कि 13 विधायक जो है कांग्रेस के वो जेडीयू के संपर्क में है। दूसरी चीज ये बता दें कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था और 8 क्रॉस वोटिंग हुआ था तो कोई आरजेडी के लोगों ने क्रॉस वोटिंग नहीं किया था, बल्कि उस समय कांग्रेस के लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग किया था और ये बात जो है दब के रह गई। लेकिन इसमें बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब नहीं रही और जेडीयू ने पासा फेर दिया है, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को लगाया गया है, जेडीयू ने एक अपने ऐसे व्यक्ति को लगाया है जो कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे हैं और जेडीयू में भी बड़े पदों पर हैं, तो सरकार में भी वो मौजूद है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस को बचाना है कि अपने विधायकों को वह कैसे बचाती है। दूसरी तरफ लालू यादव की बात की जाए तो सूचना यह भी है कि लालू यादव भी कई लोगों के संपर्क में है, हो सकता है लालू यादव भी जेडीयू को तोड़ ले, क्योंकि 2 से 3 जेडीयू के विधायक के जो है मोबाइल स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दल बदल कानून की बात हो रही है। अब देखा जाए कि बिहार की राजनीति किस करवट जाती है, लेकिन अभी जो है जिस तरह से बिहार में काफ़ी ठंड है लेकिन राजनीतिक गर्मी जो है जरूर बरकरार है। जी रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि बिहार में सियासी उठापटक लगातार जारी है।